हिमाचल प्रदेश के दूरदराज ग्रामीण इलाकों में बसे किसान बागवानों को पारंपरिक खेती के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं ने आरंभ कर दिया है। शिमला जिला के रामपुर के साथ लगते कुल्लू जिला के अति दुर्गम रघुपुर क्षेत्र में संस्था ने लोगों को पारंपरिक खेती पर इससे अधिक पैदावार के लिए किस तरह के बीजों का प्रयोग करें बताया जा रहा है। लोगों को गांव में जाकर बताया जा रहा है कि किस ऊंचाई पर कौन सी फसल पारंपरिक तरीके से कैसी की जा सकती है और कैसे इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे किसानों को विभिन्न किस्मों के बीज भी गाँव में ही मुहैया करवाए जा रहे हैं ताकि किसान अच्छी पैदावार कर अपनी आर्थिक की मजबूत कर सकें। कृषि यानी किसानों को विभिन्न प्रकार के सेवाएं प्रदान कर रही संस्था के प्रमुख देव भारद्वाज ने बताया कि दूरदराज में कोई जानकारियां नहीं पहुंच पाती हैं, वहां जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें मटर के बीज के बारे में बताया जा रहा है कि प्रमाणित बीज क्या होता है, उसका उपचार कैसे किया जाता है, अन्य फसलों के बीज के बारे में बताया कि कौन सी फसल का क्या महत्व है और पारंपरिक खेती से मानव जीवन को कितना लाभ है। नमस्कार, मेरा नाम देव भारद्वाज है और मेरा एक एग्रीकल्चर का स्टार्टअप है फेस्कॉर्प इंडिया। फेस्कॉर्प इज फार्मिंग एज सर्विस। तो हम लोग जितने भी किसान लोग हैं उनको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गांव-गांव में जाकर, और ये बहुत ही इंटीरियर एरिया में जहाँ पे कोई कंपनी नहीं आती, कोई अधिकारी नहीं आता, कोई कोई स्पेशलिस्ट नहीं आता। तो हमने आज जो है इन लोगों को मटर के बीज के बारे में जागृत किया कि सर्टिफाइड सीड क्या होता है और उसका उपचार कैसे किया जाता है और उसकी बुआई कैसे की जाती है। तो ये सारी जानकारी जो है आज हमने सारे किसान भाइयों के साथ साझा की है, और इन लोगों को जो है हम सीड प्रोवाइड कर रहे हैं। सीड के अलावा जो है इनको ट्रेनिंग, और जब ये लगवाएंगे तो लगवाने में भी इनकी हेल्प करेंगे, और उसके बाद जो है मटर का जो सीड है वो 85 से 90 दिन का होता है। इस 90 दिन में जो है हर 15 दिन के बाद जो है सारी की सारी फसल का अपडेट जो है हम लोग कराते हैं, और रियल टाइम के ऊपर जो है क्रॉप में क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। राकेश कुमार ने बताया कि शिविर में काफी लोग एकत्रित हुए थे। यहां लोगों को जानकारी दी जा रही है कि कैसे पारंपरिक खेती से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। किसानों को पारंपरिक फसलों का ज्ञान दिया जा रहा है और ये भी बताया गया कि गाय के गोबर और गौमूत्र को खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल करें, इससे फसलें भी अच्छी होंगी और नुकसान भी कम होगा। मेरा नाम राकेश ठाकुर है। आज ये क्या यहाँ पर एक शिविर है, यहाँ पर जानकारी देने वाले आए हैं जो बीज जो बीज के बारे में बहुत ही अच्छा ये बता रहे हैं हमारे को बीजों के बारे में। हम लोगों को ये बीज लेना चाहिए, खेती करनी चाहिए, और ये लोग हमारे को बहुत ही जानकारी दे रहे हैं। बोलते हैं कि खाद का इस्तेमाल बहुत कम करो, ज़्यादा कर गोबर का करो, ज़्यादा कर इस्तेमाल गोबर का करो, गोबर से आपका प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, है ना जी, जो आपकी सब्जियाँ भी अच्छी रहेगी। कोई मेदराम ने बताया कि आज उनके गांव में एक शिविर का आयोजन किया गया, उसमें किसान बागवानों को खेती के बारे में बताया गया और जागरूक किया गया कि किस तरह के बीजों का प्रयोग करना है और पारंपरिक खेती कैसे करनी है। आज मेदराम गांव सुनतेल, आज हमने गांव में कैंप लगाया है, इसमें आलू मटर लहसुन लोगों को जागरूक कराया है हर चीज के लिए।